हेलो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आपका अपने ट्रिपल फाइव टेरिकाइस्टिंग्स चैनल में बहुत बहुत सारा स्वागत है, बहुत सारा वेलकम है। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। गाइस, आज बसंत पंचमी है, सो सबसे पहले हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। खुश रहें, प्रॉस्पर हों, सक्सेस पाएँ, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। माँ सरस्वती सबको बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करे, बहुत सारे सक्सेस प्रोवाइड करे एंड बहुत सारे मिरेकल्स सबकी लाइफ में लेकर आए। आज के दिन हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं। जैसे मैंने भी आज ये पीला ड्रेस पहना है। क्यों पहनते हैं, क्या रीज़न है, क्यों हम माँ सरस्वती की आज के दिन पूजा करते हैं और ये दिन इतना ख़ास क्यों है, इतना ऑस्पिशियस क्यों है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा हम माँ सरस्वती से ब्लेसिंग्स लेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, देखेंगे कि वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, तो हम वो भी टैरोट कार्ड की मदद से देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले आज वसंत पंचमी है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा इस दिन क्यों की जाती है, क्या ऐसा ख़ास है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता है या आप नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। आज के दिन पौराणिक कथा के अनुसार हुआ ये था कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि को क्रिएट किया, तो उन्होंने सब कुछ बनाया, फल फूल पौधे मनुष्य जीव जंतु सब बनाए, हम सबको बनाया। लेकिन उसके बाद वो ना एकदम खुश होने के बाद थोड़ा सा सैड हो गए। क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बना तो दिया बट ये सब कितना शांत है, इसमें कोई हलचल नहीं है, कोई शब्द नहीं है, सुर नहीं है। उनको ना मतलब देखकर थोड़ी सी सैडनेस हो रही थी, और इसके लिए वो गए कहाँ, भगवान विष्णु जी के पास उनसे हेल्प लेने। और जब वहाँ गए तो विष्णु जी की हेल्प से उन्होंने ऐसे कहा जाता है कि कमंडल से विष्णु जी ने अपने जल लिया और जिस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया था उस पर इसे छिड़क दिया, और छिड़कने के बाद एक डिवाइन लाइट आई एंड माँ सरस्वती प्रकट हुई, इनकी उत्पत्ति हुई, जिसमें एक हाथ में उनकी वीणा थी, उनके चार भुजाओं वाली थी, एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक थी। तो इस वजह से माँ सरस्वती जी का आज हम हैप्पी बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, और इसीलिए वसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। जब ये आई तो इन्होंने जब अपने वीणा के तार से पहला स्वर लगाया तो पूरा वातावरण संगीतमय हो गया, बिल्कुल वातावरण में हलचल हो गई, एनवायरमेंट एकदम मिराकुलसली बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, खुश हो गया, शब्द प्रकट हुए, सुर प्रकट हुए, सारा जो नीरस एक तरह से संसार था उसमें रस आ गया, और इस रस आने की वजह से ही इनका नाम है सरस्वती। ठीक है, आज मैंने आपको ये भी बताया कि माँ सरस्वती को हम सरस्वती क्यों कहते हैं। माँ सरस्वती अपने सुर से, अपनी वीणा से, अपने ज्ञान से सबको शब्द दिए, सुर दिए, ताल दी, और इसीलिए आज हम इसे बहुत ही ऑस्पिशियस डे के रूप में मनाते हैं। और एक और कथा है जिसकी वजह से पौराणिक कथा के अनुसार आज हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने माँ सरस्वती जी को ये वरदान दिया था कि वसंत ऋतु के दिन, मतलब वसंत ऋतु की पंचमी में, जब से वसंत ऋतु स्टार्ट होगी तब माँ सरस्वती जी की पूजा की जाएगी, उस दिन उनकी आराधना की जाएगी, और इसीलिए भी हम माँ सरस्वती जी की आज पूजा करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो मैंने आपको बताया कि माँ सरस्वती जी की पूजा आज हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, इनका आज हैप्पी बर्थडे भी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको पता कि हम आज के दिन ये येलो कलर के ड्रेसेस पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, येलो कलर इतना ऑस्पिशियस क्यों माना जाता है वसंत पंचमी की पूजा में, तो ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। येलो कलर
अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में या वैसे भी रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी को, ग्रोथ को, ठीक है, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को। और जब इतना सब क्रिएट करता है तो माँ सरस्वती तो हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की देवी हैं। इसीलिए भी आज हम येलो कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक चीज़ भी है, आप अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे कि आज के बाद से ना धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होने लगता है, सब जगह फूल खिले होते हैं, इवन आपको बटरफ्लाइज भी बहुत सारा दिखते हैं, हर जगह फूल होते हैं, येलो येलो फ्लावर्स होते हैं, स्पेशली सरसों के खेत में। आज के दिन फार्मर्स भी बहुत खुश होते हैं कि एकदम फसल लहरा रही होती है, पीले पीले फ्लावर्स होते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है। और आज के दिन के बाद आप देखेंगे वसंत ऋतु में या स्प्रिंग सीजन जिसे हम कहते हैं, हर जगह फूल ही फूल देखेंगे, खुशहाली रहेगी, अलग ही पॉजिटिविटी रहेगी। और इसीलिए भी हम येलो कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात माँ सरस्वती की पूजा की, येलो कलर की। और इसके बाद एक चीज़ और रह गई है, वो रह गई है कि आज का डे इतना ऑस्पिशियस क्यों है, इतना अच्छा क्यों है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन आप कोई भी काम की शुरुआत किसी भी समय पर कर सकते हैं। आज के दिन आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आज आप कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस होता है, सारे मुहूर्त बहुत शुभ होते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले माँ सरस्वती से हम उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस लेते हैं विद दिस टैरट कार्ड्स, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि माँ सरस्वती आज के दिन क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं, हम सबको देना चाहती हैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ से कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं माँ सरस्वती हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ सरस्वती जी बुद्धि की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। तो ये हमें देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्या गाइडेंस देने वाले हैं आज। चलिए, डेथ कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक डेथ कार्ड, ओके। तो देखते हैं कि बाकी क्या कार्ड्स आए हैं। ओहो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। पहला ही कार्ड इतना अच्छा, बचाओ, ओके। द मून, ग्रेट, असिम। द स्टार, ओह, मून एंड स्टार साथ में आए हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स अ वेरी गुड कार्ड गाइस। माँ सरस्वती हम सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गाइस। माँ सरस्वती जो मुझे इस कार्ड में लग रहा है, ये जो दो कार्ड आए हैं, डेथ कार्ड, द चावर कार्ड, इससे मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा सा बोल सकते ना, एक टावर जैसा बिल्कुल हिला देने वाला कोई सीन हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ एकदम ऐसा कुछ हुआ जिससे आप बिल्कुल शॉक्ड हैं, बिल्कुल हलचल मच गई आपकी लाइफ में, तो गाइस ये टाइम पीरियड अब ख़त्म होने वाला है। विद दिस डेथ कार्ड आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। एंड अगर आपको कोई झटका लगा था, शॉक लगा था कि ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आ गई, कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, गिर गए थे आप, तो गाइस वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ये डेथ कार्ड यही शो कर रहा है कि इस टाव मोमेंट से, इस बुरे वक्त से आप निकल कर एक अच्छे वक्त को करने वाले हैं। कैसे, ये देखिए मून कार्ड दिखा, मून कार्ड शोज द इमोशंस, मून कार्ड्स इमोशन शो करता है, शो करता है कि जो आप इतने इमोशनल हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा दुख आपको अगर घेरा हुआ था, अगर आप पर कोई ग्रहण लगा हुआ था ऐसा माना जाता है इस कार्ड से, तो वो ग्रहण आपका हटने वाला है, आप बहुत जल्दी एक अच्छी सी लाइफ को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आप उसमें जाने वाले हैं। मतलब कहते हैं स्टार कार्ड, मून के बाद ये स्टार कार्ड यही शो करता है
कि ये जो इश्यू था आप अभी तक देखिए मून कितना सैड है, सिख मून कितना सेट दिख रहा है इसमें। अगर आप अभी तक सेट थे, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेट थे, या आप इस वजह से सेट हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ ख़त्म होने वाली है विद दिस स्टार कार्ड, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड एंड विद दिस नाइन ऑफ मैजिकल कार्ड। डेफिनेटली विद दिस स्टार कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इट शोज़ कि अगर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के, स्टार इज समथिंग लाइक, अब देखो स्टार्स कितने ब्राइट होते हैं, चमकते हैं, आप उनको देखेंगे ना तो आपको कभी लगेगा कि वाह, मतलब आप अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। मेरे साथ तो होता है, अगर आपके साथ भी होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो विद इन स्टार्स कार्ड डेफिनेटली कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है कि आप ना बिल्कुल सोचेंगे अपने थॉट्स पे, अपनी जो लाइफ की चीज़ें हो रही हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है एंड देन आप इस नाइन ऑफ पेंटिकल्स अपने करियर में, अपनी कोई भी लाइफ है आपकी, अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, शादी को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज आपके आ रहे हैं, मनी को, करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बिजनेस में आपको कुछ बोल सकते हैं डिवेस्टेशन हुआ है, आपको लॉस हुआ है विद दिस टावर कार्ड, आई थिंक सी विद दिस पेंटिकल एंड टावर कार्ड, डेफिनेटली अगर आपको बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज आप माँ सरस्वती जी की पूजा कीजिए, उनसे ब्लेसिंग लीजिए, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिए एंड इट विल गिव यू नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी मनी रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं, आप इस बहुत अच्छी सुंदर सी लाइफ को जीने वाले हैं। देखिए ये कार्ड देखिए इसमें कैसा है, बहुत हर जगह ग्रोथ ही ग्रोथ है, इवन ये चिड़िया भी सीरियस लेडी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ मैन कोई भी, ये सबके लिए होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये जस्ट कार्ड की एनर्जी शो करता है कि एक लेडी कितने अच्छे से है और यही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, आप इस दुख भरे टाइम से निकलने वाले हैं। ये जो आपका सैड सा फेस हुआ है ये भी एकदम ख़त्म होने वाला है अगर आप बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेंगे। ये स्टार कार्ड यही शो करता है कि अगर आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आप इस पोजीशन से निकलेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड आप इस पर पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि यहाँ पर आया है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड विच शोज़ कि अगर आपने मेहनत की है, अगर आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको आपकी डेस्टिनी में लिखा है मिलना और वो ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम में है, आपकी लव लाइफ को लेकर अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मून कार्ड शो करता है कि आपकी लव लाइफ में भी इश्यूज चल रहा है, आपके करियर को लेकर इशू चल रहा है विद स्टार कार्ड एंड अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में आगे आएंगे, आप इस पोजीशन को अचीव करेंगे। ये जो बड़ा सा दुख चल रहा है इससे आपको निकलना होगा विद द पॉजिटिविटी एंड दिस कार्ड शोज़ पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव होकर अपनी चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस पोजीशन से निकल कर ट्रांसफॉर्म होंगे एंड इस पोजीशन पर आएंगे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। देखिए यहाँ पर सब कुछ है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी ये चीज़ होगी, एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, सब अच्छे से हेल्प कर रहे हैं एंड ये डेफिनेटली होगा। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्या गाइडेंस देने वाली है माँ सरस्वती आज आपको। हाँ बताइए आप क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, लेट्स सी। ओके अन्य फाइव कार्ड्स लोगे एंड चलिए दो कार्ड आ गए तो दोनों ही ले लेते हैं एंड बॉटम ऑफ द टेक हेल्पफुल पीपल, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस में। यस डेफिनेटली यस, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये चावो मोमेंट चल रहा है, आई थिंक कार्ड्स आपको क्लियरली देख रहे हैं, यस कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आपकी लाइफ में ये चावो मोमेंट चल रहा है, आप इमोशनली वीक हैं, मनी में आपको रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आपका बिजनेस प्रॉब्लम कर रहा है, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इस पोजिशन पर आएंगे, यानी पेंटिकल्स की पोजिशन पर आप डेफिनेटली आएंगे और आप खूब प्रोग्रेस मिलेगी। ये कार्ड यही शो कर रहा है। यस सी कितना प्यारा कार्ड है, एंजल जो है बिल्कुल सी
ऐसा लगा ना बिल्कुल मिरेकल सा हो रहा है, डेफिनेटली होगा आपकी लाइफ में। ओके वेट, ओके अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। परफेक्ट टाइमिंग, यस वेट, परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। आप इसे अचीव करेंगे, नो नो फॉर व्हाट, नो फॉर ये जो कंडीशन है ना जिसमें आप एकदम परेशान हो गए हैं, किसी चीज़ को लेकर थोड़े से वरिड हैं, आप उसके लिए काम कीजिए लेकिन आप परेशान नहीं होइए, ठीक है? नो नो फॉर, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, तो नो, जस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है? अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाइए, लुक फॉर द साइन, कोई ना कोई साइन आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके थ्रू आप इस जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है उसे निकल कर आएंगे। एंड ये ब्लेसिंग्स आपको माँ खुद दे रही हैं, गॉड खुद दे रहे हैं, अनलाइकली, यस ये जो आपकी एक थिंकिंग है ना, नो एंड अनलाइकली वाली जो थिंकिंग चल रही है कि नहीं होगा, आपके मन में डाउट क्रिएट हो रहा है, अगर किसी काम को लेकर आप परेशान हो जा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है ना, हम जो सोचते हैं वही हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लाइक तो जो भी हम सोचेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप जो सोच रहे हैं वही अट्रैक्ट करेंगे तो कैसे काम होगा? तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए, खुश रहिए, ये सोचिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप अपनी साइड से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ठीक है? तो ये सब छोड़िए, थोड़ा सा जो काम आपको करना है उस पर वर्क कीजिए, वेट कीजिए, लुक फॉर द साइन, आपको कोई साइन ज़रूर मिलेगा। एंड हियर इज द बॉटम ऑफ द टेक, हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल पीपल शोज़ कि आप लोगों की हेल्प से या उनकी हेल्प करके किसी की आप हेल्प करेंगे, उनकी आप हेल्प करेंगे, एंड देन आपको जो आपका काम है वो हो जाएगा। ये ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं गॉड, किसी ना किसी के थ्रू शायद गॉड माता रानी आपको भेजेंगी किसी ना किसी को जिसके थ्रू आपका ये काम हो जाएगा। द मैंस वंडरफुल कार्ड, अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, आप किसी से प्रपोजल का वेट करें, शादी का वेट करें, बहुत जल्दी ये चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत जल्दी। अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा था बोरिंगनेस आ गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो मैंने सुना डेफिनेटली ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में आएगा। ये भी ब्लेसिंग आपको माँ दे रही है, माँ सरस्वती गॉड एंजल दे रहे हैं, ट्रस्ट ट्रस्ट सी, एक के बाद एक ना इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, पहले तो हेल्पफुल पीपल, देन रोमांस, देन ट्रस्ट, नो नीड टू वरी, और अगेन सी नो नीड टू वरी, एकदम कार्ड से इतने पॉजिटिव आ रहे हैं ना आपके लिए कि डेफिनेटली मार्च सबको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, कह रहे हैं कि भाई सब एकदम ब्लेस्ड हो जाएंगे। इवन आपको पता है वसंत ऋतु के बाद, वसंत पंचमी के बाद ऐसा होता भी है, लाइफ एकदम ब्लिसफुल हो जाती है, आप देखेंगे हर जगह पॉजिटिविटी दिखेगी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस होगी, एंड सेम अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके गाइस, सो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आज स्टार्ट कर सकते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। मैंने आपको अभी बताया था कि आज के दिन आप जो भी काम स्टार्ट करते हैं, मुहूर्त बहुत शुभ होता है, हर मुहूर्त आज शुभ है, कभी भी आप कोई काम को स्टार्ट करते हैं आज के दिन मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके मैं कार्ड्स अच्छे से अरेंज कर दे रही हूँ सो दैट आप देख पाएँ। ओके यस, सो आज के दिन ऐसा होता है, क्यों होता है, यस मैं आपको ये बताने वाली थी कि आज ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आज ऐसा क्या है कि आज के दिन हर मुहूर्त शुभ होता है, सारे काम सबके बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि आज के दिन जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जैसा कि मैंने आपको बताया, तब माँ सरस्वती की उत्पत्ति से, उनके प्रकट होने से सारी सृष्टि सुरमय हो गई, सब में ज्ञान की प्राप्ति हुई, माँ ने सबको ज्ञान की देवी, हमें कहा जाता है कि हमें ज्ञान देती हैं, हमें विद्या देती हैं, सुर देती हैं, संगीत देती हैं, कला की देवी हैं, हर जगह सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। और जब सोचिए जिस दिन माँ सरस्वती खुद आई हैं, खुद प्रकट हुई हैं, इनकी उत्पत्ति हुई है, वो दिन तो कितना प्यारा होगा ही, है ना? तो इस दिन जब माँ सरस्वती आए हैं, उन्होंने सबको बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी दी है, तो यही दिन बचा है कि आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, और कहा जाता है कि आज के दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको सक्सेस आपके लाइफ में ज़रूर मिलेगी, ठीक है गाइस? तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो,
अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपके साथ ये रिजोनेट हो रही है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग बातों की मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डालती रहती हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरी बहुत सारी पोस्ट जो वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि आज मैंने माँ को चंदन का, पीले चंदन का तिलक लगा था। अभी मैंने आपको बताया पीला क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन पीले चंदन का तिलक जब हम माँ को लगाते हैं तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो तिलक हम अपने माथे पर, अपने गले पर और अपने हार्ट पर भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कभी सोचा आपने? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, नहीं पता है तो मैं बता ही रही हूँ। इसलिए लगाते हैं क्योंकि माना जाता है ना कि हमारी जो माँ सरस्वती हैं वो देवी हैं कला की, ज्ञान की, बुद्धि की, सक्सेस की और पेशेंस की, है ना। पेशेंस भी मिलता है हमें उनसे, हमें धैर्य रखने की कैपेबिलिटी मिलती है माँ से। तो इसीलिए आज के दिन हम आज के दिन नॉर्मली भी ऐसा करते हैं कि अपने माथे पर वो तिलक लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है हमारे माथे पर, तो वहाँ से हमारे ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है। ज्ञान के लिए लगाते हैं, कंठ पे इसलिए लगाते हैं, गले में इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो स्वर निकले वो हमेशा मीठे निकले, उससे सबका फ़ायदा हो, सबको अच्छे लगें। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप अच्छे से सबसे बात करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। तो आप एकदम पॉजिटिव बात बोलें, आपके मुँह से हमेशा अच्छा निकले। और एक चीज़ बस एक चीज़ और बताना है मुझे, पहले हार्ट पर इसलिए लगाते हैं ताकि आपका जो दिल है वो सब कुछ एक्सेप्ट करे, एकदम खुशियाँ बांटे, हमेशा खुश रहें। आप हमेशा खुश रहें क्योंकि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो प्रॉस्पर करेंगे लाइफ में, है ना। ठीक, एक और चीज़, आप माँ सरस्वती की जो पूजा करते हैं, जो उनके नॉर्मली भक्त होते हैं, उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो जो भी बोलते हैं वो चीज़ हो जाती है। हाँ सच में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम ऐसा बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि जब आपने देखा होगा, मतलब ऐसा माना जाता है कि आपने देखा भी होगा, कभी कभी आप कुछ बात बोल देते हैं और वो सच हो जाती है, तो हम कहते हैं मुँह में सरस्वती जी वास करती होंगी, जीव पर माँ सरस्वती बैठी हैं इसलिए ऐसा हो गया, है ना। तो जब जीव पर माँ सरस्वती बैठती हैं, इनकी कृपा हम पर होती है, तो हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं वो एकदम सच होता है, इसीलिए भी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आज के दिन आप भी माँ सरस्वती जी की पूजा कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो न्यू फॉलोअर्स हैं उनको थैंक यू सो मच कि आज आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है। कोई भी सजेशंस आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझे बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करें। एंड थैंक यू, ये वीडियो जो है आप सबसे शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबके साथ मिलकर शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो जब आप ये चीज़ बांटेंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी बढ़ेगी, ठीक है। ओके चलिए, आई होप आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड जो भी सजेशंस हो या आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं मुझे। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपके लिए लाती रहूँगी और चैरिट गाइडेंस भी अच्छे अच्छे आपके लिए बनाती रहूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कोई टॉपिक आपके पास है, आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कुछ रिचुअल्स हैं जो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की मदद से या फिर यहीं पर वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम प्रॉस्पर रहें, लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें, मेडिटेट करें, हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आप अट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय।